नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मास्टर और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आपका एक बार स्वागत करते हैं, जो पहले था धरवली टेक्नो नॉलेज एंड इंस्टेंट चैनल। इस चैनल को हमने बनाकर टेक्नो प्लस स्टडी चैनल कर दिया है। आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको विलोपन विद आपके गणित में जरूर मिलेगा और प्रतिस्थापन विद, बजगुणन विद, तीनों विद को हम एक एक करके डिटेल में दे देंगे। तो पहली विद आप आज के लिए हम विलोपन विद लाए, तो विलोपन विद आप समझ लीजिए। और जो भी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंटों के लिए विलोपन विद या किसी दो समीकरण को कैसे हल किया जाता है फास्ट तरीके से, उसको हम इस तरह से हल करेंगे। तो इसकी हल करने से पहले हम बताते हैं, अगर आप नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये हमने दो समीकरण लिए, दो समीकरण हमें लेना है। ये काले रंग का जो लिखा है समीकरण है हमारे। तो समीकरण में यही कहना है कि हमें एक चर होता है, एक एक्स और दूसरा वाई, एक चर एक्स और दूसरा वाई, हमेशा दोनों समीकरण में एक्स वाई होते हैं। तो एक्स या वाई को किसी एक का विलोप करना होता है, विलोप करना होता है। विलोप करने का मतलब उसको हमको दोनों को घटाएं शून्य हो जाए। क्या करें? घटाने पर, ध्यान दीजिए, घटाने पर शून्य होना चाहिए, घटाने पर आपका शून्य होना चाहिए। यानी कब शून्य होगा? जब वही गिनती होगी, यानी जब सेम अंक होंगे, सेम नंबर से होंगे, तो आपको घटाने में जीरो आ जाएगा। तो हमेशा सेम नंबर होना चाहिए। तो किसी भी चर को हम सेम नंबर बनाना है, उसका विलोप करना है, विलोप करना है, याद रखिए, लोप कर देना उसको, क्या करना। तो घटाने के लिए जिससे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ चर एक्स चर में दो है, इधर एक्स चर में तीन है, तो ये बराबर नहीं है। और इधर जहाँ पर कोई गिनती नहीं होती वहाँ पर एक होता है, और जहाँ गिनती है तो लिखी ही रहेगी। तो इसमें किसी का लोप नहीं है। तो लोप करने के लिए, यानी शून्य करने के लिए हमें बराबर अंक चाहिए। यानी दो को हमको और तीन को हम ऐसी गिनती का गुणा करें कि जो बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम सरल तरीका बताते हैं, बहुत आसान विधि। तो दोनों अंक में हम देखेंगे जो सबसे छोटी गिनती होती है, ध्यान रखिए पॉइंट को याद में, जो छोटी गिनती होती है उस छोटी गिनती को हम बड़ी वाली गिनती बनाते हैं, यानी उसका टेबल पढ़ते हैं। अगर वो बन जाता है तो हम केवल उसी में गुणा करेंगे, ठीक, नहीं तो नहीं, नहीं तो दोनों एक दूसरे का गुणा कर दें, उसका इसमें और इसका इसमें कर देंगे इस तरह से। जैसे कि इसमें हम, इसमें देखिए यहाँ पर कोई गिनती नहीं, लेकिन एक हम मान सकते हैं, मान लेते हैं। तो एक का गुणा, एक का टेबल पढ़ना है कि चार आ जाए, तो एक का पहाड़ा चार बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा टेबल, तो चार बार आ जाएगा। तो इसमें हम केवल इसी में चार से गुणा करेंगे, पूरे पूरे व्यंजक में हम चार का गुणा करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोप नहीं करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। इसको लोप करने के लिए देखते हैं, छोटा अंक है एक्स चर में दो, इसमें तीन, तो दो को हम पढ़ेंगे तो तीन दो टेबल में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, अब हम इस तीन का गुणा इसमें कर देंगे और दो का गुणा इसमें कर देंगे, तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। यानी देखिए, तीन गुणा इसमें कर दिया तीन, तो दो तीन है छः हो गया, और इस ये दो का गुणा इसमें कर दिया तो तीन गुणा छः, कहने का मतलब छः हो गया, तो ये छः बन गया और ये छः एक्स हो सकता है। अगर इसको हम बराबर करेंगे तो इसमें चार का गुणा करेंगे टोटली, और एक में नहीं करना, पूरे पूरे समीकरण जिसका गुणा करेंगे पूरे में करना है, याद रखना, इसी एक में नहीं। तो हम जैसे चार गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा इसमें। तो पहले तरीके से हम एक्स चर को बराबर करके देखते हैं, इधर एक्स का लोप करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एक्स का लोप करेंगे, इधर वाई का लोप करेंगे, वाई का लोप करेंगे। एक्स का लोप करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए, इसका इसमें गुणा कर दिए, इसका इसमें गुणा कर दिए, यहाँ हो गया प्लस, क्योंकि इसमें देखिए इसमें कितने गुणा करें, तीन का गुणा कर रहे हैं ना, तो तीन का गुणा टोटली कर देंगे, इसमें दो गुणा करें तो दो का गुणा हम टोटली कर देंगे, तीन दुना छः, और तीन यहाँ पर एक है ना, तो तीन का तीन वाई बराबर तीन त्रिक का नौ हो जाएगा। और इसमें दो की है तो दो यहाँ छः एक्स माइनस दो चौक आठ वाई बराबर दो दुना चार, इस तरह से हम इसका लोप किए हैं। और जिसको लोप करते हैं जिसको हम शून्य करते हैं, उसका वो हमेशा घटना चाहिए। क्या करना चाहिए? घटना चाहिए। अगर घटता है तो हमेशा जोड़ने पे लिखेंगे, और नहीं घटता है तो घटाने पर ही लिखेंगे। हमेशा नियम दिमाग में रखना कि हमें घटाना है, क्या करना है, घटाना है। क्या अच्छा अच्छा घट रहा है, चिन्ह उल्टा होगा तभी घटेगा, चिन्ह उल्टा, उल्टा करने का मतलब एक प्लस एक माइनस, और चिन्ह बराबर होगा तभी जुड़ेगा, वो घटेगा नहीं, हमेशा बराबर चिन्ह जुड़ता है। बराबर चिन्ह कहने का मतलब बराबर कोई चीज़ें जुड़ती है ना, तो बराबर चिन्ह हमेशा जुड़नी चाहिए। तो ये बराबर इसके चिन्ह प्लस है, इसके चिन्ह है, तो ये हमेशा जुड़ रहा है। तो हमेशा हमें नियम क्या कहता है, नियम कहता है घटाना, ध्यान रखना घटाना चाहिए, हमेशा घटना चाहिए, विलोपन में हमेशा घटना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर नहीं घटता है तो जोड़ने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर जोड़ने पर लिखेंगे। तो हमें ये जुड़ रहा है, इसको हम घटाने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण
इसको तीसरा मान लेते हैं, इसको चौथा मान लेते हैं, तो समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर, ठीक है, तो घटाने पर हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल लेंगे, घटाने जब घटाने पर हम विपरीत चिन्ह नीचे वाले व्यंजक का समीकरण का चिन्ह बदलेंगे, इसे प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, सेम कंडीशन। तो ये देखिए 6 चला गया 0, और ये प्लस चिन्ह है, ये प्लस है, ये दोनों प्लस में आ गए, तो 8 और 3 11 वाई हो जाएगा, और इधर ये 4 माइनस में हो गया, 9 की प्लस में है, तो 9 4 घट जाएगा तो 5 आएगा, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 5 का 5 11। तो इस तरह से y को माना गया। अब इस y को मान को ले जा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, सेम उत्तर आएगा हमेशा, तो हमेशा यही करना है। इस तरह से y का मान, कोई भी y का मान हो, जो y का मान समीकरण 1 था 2 किसी में रखिए, 1 में या 2 में, हम किसी में रखने पर, ठीक है, किसी में रख देंगे, रखने पर तो रखते हैं किसी में, हम समीकरण 1 ले लेते हैं, है 2x + y = 3 है, तो हम यहाँ पर 2x + y के मान हम 5/11 रख दिए, बराबर 3 रख दिए, इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे, मतलब चर एक तरफ करते हैं और अचर इस तरफ कर देंगे, तो ये हम हल कर लेते हैं, 33 - 5 = 11, 2x = हो जाएगा 33 में से 5 घटा दिया तो 27 / 11 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो इधर ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है हमेशा, 11 × 2 = 2, यानी x बराबर हो गया 27/22, x y का मान हो गया, सॉरी ये 27 का जगह 28 होना चाहिए, क्योंकि 33 में 5 गया तो 28 होना चाहिए, वो घटाने में थोड़ा मिस्टेक हो, चलिए ठीक है, इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 कपाड़ पड़ेंगे, 2 × 2 = 2 2 4 8, यानी 2 × 2 = 22, तो 3 आ गया। इधर हम अब दूसरा तरीके अपनाते हैं, अगर हमको y को लोप करना है तो y को लोप करना है, ध्यान देंगे तो y बताए हम कि जो छोटी गिनती है उसको हम बड़ी गिनती बनाने की कोशिश करता है, तो उसी में केवल गुणा कर लेंगे, नहीं तो एक दूसरे का हम आपस में गुणा कर देंगे, तो हम इसमें 1 को 4 बनाए तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा करेंगे तो देखिए 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, और बाकी ये सेम वही रहेगा, तो ये x इसमें y का लोप हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 4 4 घट जाएगा, क्योंकि ये घट जा रहा है, तो जब घट जाएगा तो घटाने पे नहीं लिखेंगे, जोड़ने पे लिखेंगे, और जब नहीं घटेगा तो जोड़ने पे लिखेंगे, उल्टा लिखना है कहने का मतलब, ये देखो 4 4 घट जा रहा है ना, तो घट जा रहा है तो जोड़ने पे लिखेंगे, तो समीकरण 1 2 को यानी 3 और 4 को, यहाँ पर हम 3 और 4 जो भी लिखेंगे समीकरण जो बनता है उसको हम इन दोनों समीकरण को हम जोड़ने पे लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 8 और 3 दोनों प्लस में है, यानी जो घटता है जिसको भी घटा लेंगे, जुड़ता है जुड़ लेंगे, लेकिन जो नीचे तो बराबर चिन्ह में से जुड़ता है उल्टा चिन्ह घटता है, 8 और 3 हो जाएगा 11, और ये घट गया 12 2 हो गया कितना 14, तो अब हम x बराबर हो जाएगा 14/11, x का मान 14/11, देखिए सेम वही उत्तर आएगा, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए वही आया ना, वही आएगा, अब इसका x का मान, तो x का मान समीकरण 1 तथा 2 किसी में एक में रखेंगे उत्तर वही आएगा, तो हम रख लेते हैं 2, ये समीकरण 1 लिख लिए हमने, तो 2 लिखा है, x का मान आया 14/11 रख लिए, प्लस y = 3, ये दोनों गुणा कर 14 × 2 = 28 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, प्लस y = 3, तो चार इधर छोड़ेंगे अचर उधर ले जाएंगे, तो 3 - 28/11 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33 हो जाएगा, -28 हो जाएगा, 5 × 11 हो जाएगा, तो y बराबर कितना, 33 में से 28 हटा देंगे तो 5/11 आ गया, ये y बराबर आ गया, यहाँ देखिए y बराबर ही है, ये श्याम टोटल, ये दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा, तो इसको हल किए जैसे कि आंसर 14 × 2 = 28 11, और ये अचर इधर छोड़ दिए, अचर इधर छोड़ दिए तो चर इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो हम इसको हम जोड़ घटाना जैसे करते हैं उस तरह से हल कर दिए, लाशा लेकर के या तिरछा गुणा करके इस तरह भी कर सकते हैं, तो अब 11 × 33 हो जाएगा और 28 घटा दिया जाएगा, तो 28 घटा दिए, 5 × 11 सेम वही उत्तर आएगा जो इधर आएगा, तो वाई बराबर ये मिला लीजिए, वाई बराबर ये, एक्स बराबर ये मिला लीजिए और एक्स बराबर ये मिला लीजिए, दोनों सभी में वही उत्तर आना है, केवल आपको ध्यान रखना लोप करने की विधि जानना है, लोप अगर कर लेते हैं, यानी इस लोप करने के लिए एक बात फिर याद दिलाते हैं, लोप करने के लिए हमेशा
घटना चाहिए। घटने के लिए वैसे बराबर गिनती होना चाहिए। किसी भी चर को इसमें लोप करें तो वो गिनती बराबर होनी चाहिए। बराबर करने के लिए हम ट्रिक फिर से बताते हैं कि छोटी गिनती को बड़ी गिनती बनाने की कोशिश करिए। नहीं बनता है तो एक दूसरे का गुणा कर दें, एक दूसरे में पूरे व्यंजन में करेंगे, जिसका गुणा करेंगे पूरे में करेंगे, और अगर नहीं होता तो एक दूसरे का कर दें। जैसे दोनों को हम इसी तरह किए, इसमें छोटी गिनती ये थे, एक में गुणा करके काम चल गया, इसमें केवल चार का गुणा किए, तो ए वाले में देखिए वाई के लोग किए तो चार का गुणा किए, बाकी सेम दूसरा वही, लेकिन इसमें बराबर नहीं हो रहा था, छोटी गिनती बड़ी नहीं हो रही थी, एक दूसरे का गुणा करके ये किए, दोनों विधि हम बता दिए। इसी तरह विलोपन विधि आप आराम से लगा सकते हैं। और एक बात में ध्यान रखना है, कभी भी अगर किसी भी गिनती की आगे अगर बराबर चिन्ह आता है, क्या बराबर चिन्ह, ध्यान रखिएगा बराबर चिन्ह हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा, जुड़ेगा क्या होगा, जुड़ेगा, और उल्टा चिन्ह, उल्टा चिन्ह हमेशा घटेगा, उल्टा चिन्ह हमेशा घटेगा। कहने का मतलब अगर जैसे दो है और माइनस दो है, इस ध्यान रखिए ए प्लस में है ए माइनस में है, तो प्लस माइनस हमेशा उल्टा चिन्ह घटेगा, तो घटेगा मतलब जिसमें से घटे, अब घटाने पर वही चिन्ह घटेगा, चिन्ह वही बचेगा, चिन्ह वही बचेगा, चिन्ह वही बचेगा, तो चिन्ह इसमें घटाएंगे जीरो, लेकिन अगर चार होता तो घटाएंगे इसमें बचता दो, इसमें दो बचता और इसमें कौन सा चिन्ह है, प्लस है तो प्लस में बचता। इसी तरह दूसरा समझ लेते हैं, आठ माइनस दो प्लस, ये देखिए उल्टा चिन्ह है, बराबर चिन्ह नहीं, इसको ये घटेगा, तो आठ में से दो चला जाएगा तो इसमें बचेगा चार, तो वही चार नहीं बचेगा क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस बचेगा जिसमें बचेगा, लेकिन बराबर चिन्ह की बात करें, जैसे माइनस दो और माइनस तीन बराबर चिन्ह है, तो तीन और तीन, तीन और तीन हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान रखिए पाँच, लेकिन चिन्ह वही उतरेगा, चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह वही रहेगा, जैसे माइनस माइनस में है मतलब दोनों तो माइनस में ही रहेगा, जैसे ये हो गया दो प्लस तीन, इसमें भी प्लस है इसमें प्लस है, दोनों बराबर चिन्ह तो जुड़ेगा, तीन दो पाँच हो जाएगा, और चिन्ह प्लस जुड़ेगा प्लस ही रहेगा, यानी बराबर चिन्ह जोड़ेंगे उल्टा चिन्ह घटाएंगे, बराबर चिन्ह जोड़ेंगे तो वही चिन्ह उतारेंगे, उल्टा चिन्ह घटाएंगे तो बीच में बचेगा वो चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से पूरा हम समीकरण हल कर लेंगे। कोई भी अगर विलोपन विधि में कोई दिक्कत हो तो कहिएगा, हम दूसरा वीडियो भी बना देंगे, प्रतिस्थापन भी जिसके लिए गएंगे, सटीक विधि ले गएंगे, प्रतिस्थापन आराम से अब बहुत ही आराम से रहेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे चिन्ह को जोड़ घटाना आराम से ये फार्मूला इस्तेमाल करके रहिएगा आराम से। चिन्हों का यही अगर नियम याद रखते हैं, स्क्रीन शॉट लेकर के आप इसको याद रखिएगा, बराबर चिन्ह जुड़ेगा और चिन्ह वही रहेगा, उल्टा चिन्ह हमेशा घटेगा और चिन्ह वही बचेगा जिसमें बचेगा घटाने पर। इस तरह से हम सारी चीज़ों को हल कर सकते हैं और विलोपन विधि हम आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ गए। हाई स्कूल इंटर संबंधी वीडियो लेकर कंप्यूटर और मोबाइल टेक्निकल संबंधी वीडियोज लाते रहेंगे, ठीक है, और न्यूज़ संबंधी वीडियो आ जाएगी तो आपके लिए हम जरूर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।